तो दोस्तों, चाइना में ऑनर 9X प्रो लॉन्च होने वाला है 23 जुलाई को, और लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन का अनबॉक्स लीक हो चुका है, और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है किरिन 810 का प्रोसेसर, जो कि रेडमी के K20 से भी ज्यादा फास्ट होने वाला है, और उसके साथ ही दोस्तों पॉपअप सेल्फी कैमरा और ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। और दोस्तों, ये सारी चीज आपको देखने को मिलने वाला है 1799 युआन यानी इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से 17 से 18 हजार रुपए के करीबन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको एक ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्रेडियंट फिनिश के साथ। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है वो ऑनर के 20 की तरह ही देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिजाइन था। और साथ ही में दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल ईयर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, और साथ ही में दोस्तों ऑनर 20 की तरह ही आपको पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक फुल व्यू डिस्प्ले, जो कि होने वाला है 6.59 इंच की। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी नॉइज देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि होने वाला है 16 मेगापिक्सल्स का। और दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैक साइड के कैमरे की, तो दोस्तों यहां पर आपको ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल्स के सोनी के IMX586 का सेंसर, और उसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, जो कि किसी भी स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन किरिन 810 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि रेडमी के K20 से भी ज्यादा स्कोर करती है। और इस स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होने वाला है दोस्तों, वो रेडमी के K20 से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन के 730 के प्रोसेसर को भी बीट करने वाला है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में पबजी और फोर्टनाइट बहुत ही आराम से खेल सकते हैं, बिना किसी लैग के, बिना किसी हैंग प्रॉब्लम के। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 22.5 वाट के फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ, और आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके फोन को 30 मिनट में 50% से ज्यादा चार्ज कर देगी। दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग होने वाला है वो होने वाला है चाइना के अंदर बेस वेरिएंट का 1799 युआन यानी इंडियन रुपीज के हिसाब से 17 से 18 हजार रुपए के करीबन। और तो दोस्तों, 17 से 18 हजार रुपए में आपको देखने को मिलने वाला है रेडमी के K20 से भी अच्छा प्रोसेसर, बहुत ही बेहतरीन कैमरा और एक फुल व्यू डिस्प्ले। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे 20,000 rupees के अंडर में, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की लॉन्च इवेंट की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन को चाइना के अंदर 23 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, उसके एक महीने बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही थी इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।